गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर 19 चल रहा हमारा एलजेब्रा ऑफ फैक्टर्स। इसकी एक्सरसाइज 19.2 के हम 21वें क्वेश्चन पर आ रहे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी प्लेन पासिंग थ्रू, ये पॉइंट है आई प्लस जे प्लस के, इसी पॉइंट का क्वेश्चन रखता है एंड पैरेलल टू वेक्टर इतने एंड इतने, ये दो वेक्टर दे रखे हैं। तो हमने लेफ्ट जो हमारा पॉइंट है उसको ए माना, इसको बी वेक्टर, इसको हमने लेफ्ट कर लिया सी वेक्टर। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, अब आप फिगर में आइए, इस फिगर में एक प्लेन है, ये जो प्लेन है ये प्लेन ए पॉइंट से होता जा रहा, हमारे क्वेश्चन में वो ए पॉइंट आई प्लस जे प्लस के है, हमने ए को आई प्लस जे प्लस के लेफ्ट कर रखा। अब ये दो वेक्टर है इन दोनों के पैरेलल है, तो इन दोनों के पैरेलल होने का मतलब हमारा जो प्लेन है वो इस टाइप का प्लेन है, जैसे ये प्लेन हो गया और दो वेक्टर हमारे इस टाइप के होंगे, दो वेक्टर होंगे इस टाइप, तो ये दो वेक्टर है इनके पैरेलल ऐसे ऐसे प्लेन, तो इस प्लेन को हम टू डायमेंशन में ऐसे दिखा और ये कैसे आ गया, तो ये है वास्तव में ऐसा, क्योंकि फिगर थ्री डायमेंशन है वो बोर्ड पे नहीं हम बना सकते, तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। तो उसके बाद में हमने इस फार्मूले को यूज किया, फार्मूला है ए प्लस टी बी प्लस एस सी, इसमें ए का बी का और सी की वैल्यू रख दी, आई वाले जे वाले के वाले कोएफिशिएंट अलग अलग कर दिए, आई वाले यहाँ पे, जे वाले यहाँ पे, टी वाले यहाँ पे, तो ये जो हमारा इक्वेशन आया ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, यही आपका आंसर है। इससे आगे की बात कल को बताए जाएंगे क्वेश्चन, इतना आप इसको रीड करिए, स्टडी करिए, अपने फॉर्म को पूरा करिए। थैंक यू।